कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए भिवंडी स्थित गौरीपाड़ा साहिल होटल के पास भिवंडी मनपा नगर सेवक शकील अंसारी उर्फ पापा के जनसंपर्क कार्यालय में डॉक्टर यासिन काजी, डॉक्टर शमी अंसारी, डॉक्टर खालिद अंसारी, डॉक्टर अंजू अंसारी के मार्गदर्शन में एसपी फाउंडेशन तथा भिवंडी मनपा नगर सेवक शकील अंसारी उर्फ पापा द्वारा कोरोना वायरस की महामारी को लेकर मोहल्ला क्लिनिक खोला गया, जिसमें औरतों के लिए सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और मर्दों के लिए शाम 6 बजे से 10 बजे तक डॉक्टर अदनान फैजान अंसारी, डॉक्टर फैयाज सिराज अंसारी, डॉक्टर शिफा शमीम, डॉक्टर जैनब असलम, इन सभी डॉक्टरों द्वारा सर्दी खांसी मलेरिया टाइफाइड बुखार इन सभी बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। आगे हमारे संवाददाता से वार्तालाप करते हुए भिवंडी मनपा नगर सेवक शकील अंसारी उर्फ पापा व समाज सेवक जाहिद मुख्तार शेख तथा डॉक्टरों ने लोगों से अपील करते हुए बताया कि ये सारे चारों डॉक्टर जो है हमारे जो शहर के पुराने फिजिशियन हैं डॉक्टर यासिन काजी खालिद और डॉक्टर अंजू, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर शमी, इनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ये लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह जो शहर को ज़रूरत थी, आज जो लोकल फिजिशियन बैठ नहीं रहे हैं या अपनी अपनी डिस्पेंसरी में बीमार होने की वजह से नहीं बैठ रहे हैं, उनकी जगह खाना पूरी करने के लिए हम लोगों ने ये मतलब क्लिनिक चालू किया। प्रीवियस पेशेंट के लिए हमने टेम्पररी उनको एक दो घंटे के रिलीफ के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम किया है, वो एक दो घंटे के अंदर किसी हॉस्पिटल में वो बेड वगैरह अरेंज कर लें अपने, उस केस के लिए हमने यहाँ पे दो बेड भी रखा है और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी प्रोवाइड किया है। नहीं, फ्री ऑफ चार्ज है टोटल टोटल हमारे डॉक्टर भी आज लोगों की खिदमत के लिए ही बैठ रहे हैं और हम लोगों ने जो हमारी सोसाइटी ने काम कर लिया है वो भी फ्री ऑफ चार्ज। ये आह्वान करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से परेशान है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे फ़ायदा लें। मेरे खुद के ऑफिस है ये और मैंने ऑफिस को ही डिस्पेंसरी बनाया है। मोहल्ला क्लिनिक जो पहले स्टार्ट होना चाहिए था उसके लिए हम बार बार बोल रहे थे, उन्होंने इसके ऊपर अपने रिसर्च भी लिया और इसके ऊपर ध्यान दिया। मेन क्या है, डॉक्टरों को जो भरोसा दिलाना है, पापा भाई ने हमारे सिटी पापा साहब ने उसके ऊपर पहला ध्यान दिया और मैं तमाम कॉर्पोरेटरों को ये कहना चाहूँगा अपने अपने इलाके में अपने डॉक्टरों को विश्वास करना कि हम हमारे साथ हैं, तुम्हारे कुछ भी हो ना हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे डॉक्टरों का जो मन बड़ा हो और इस अब इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस शहर में, क्योंकि ये दो बेड का नहीं है, ये पूरे एरिया को कवर करेगा। ये डोबी तलाव के एरिए यहाँ पे जो छोटे छोटे बीमारी है जो बड़ी बीमारी बन गई। अभी आईजीएम हॉस्पिटल जो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल था जिसे कन्वर्ट कर दिया कोरोना में, लेकिन उसे कन्वर्ट नहीं करना था, उसको वैसे रखना था, सर्दी खांसी मलेरिया टाइफाइड वालों आज वो मलेरिया टाइफाइड बढ़ता है उसके महामारी पार्टी। तो इसके लिए अब जरूरत हो गई छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक की और लोगों में जागरूकता पैदा होगी और जो कॉर्पोरेटर पर विश्वास है भरोसा है वो जिंदा रहेगा। अभी दोनों हमारे डॉक्टर अदनान और जो हमारे डॉक्टर है फिलहाल जो डॉक्टर है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो यहाँ आके बैठे हैं और डॉक्टर यासिन काजी साहब की टीम का और खालिद भाई जो है उनके जो जो बड़े डॉक्टर उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्होंने एक पहल शुरू की अच्छी है, इस शहर में जो है बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं शकील पापा साहब को मुबारकबाद दूँगा इस आपके माध्यम से और तमाम कॉर्पोरेटर से कह रहा हूँ कि आप फील्ड में आ जाओ और दो बेड लगाइए अपने वार्ड में, अपने अपने एक वार्ड में दो दो बेड करके दो दो हेयर बेड हो जाएंगे आप, तो ऐसे चलता रहेगा और भिवंडी शहर जो है इस बहुत से निकलेगा। हमने लॉकडाउन के पीरियड में बहुत खाना खिलाया, लोग बहुत पानी पिलाया, अब वक्त आया है लोगों को
दवाइयाँ देने का। ये दवाइयाँ भी फ्री में दी जा रही है यहाँ पे, और जो ट्रीटमेंट आएगा वो फ्री में रहेगा। और मैं डॉक्टरों को सलाम करता हूँ, बार बार सलाम करूँ उनको, अल्लाह उनके लिए सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए, और उनके जज्बात को सलाम कर रहा हूँ मैं, उनके उनके घर घर वालों को जो है और ताकत हिम्मत दें, और उनकी और जो है उनके जो है उनके हाथों में शिफा बख्शे, ताकि इन्होंने बहुत बड़ा काम हमारे लिए हमारे पर एहसान किया। ये एहसान हम उनका भूलेंगे नहीं, उनके लिए हम तय हमेशा खड़े रहेंगे। ये जो अपना एरिया है, एरिया के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी था कि कुछ बेसलाइन जो बेसिक ट्रीटमेंट मिल सके जो अपने एरिया के लोग हैं, जिसको जैसे फीवर है अभी एट प्रेजेंट, जो भी फीवर है वो सभी फीवर कुछ नहीं नथिंग बट कोविड ही है। तो हम इधर बेसलाइन ट्रीटमेंट दे के जो बाकी आगे अवेयरनेस करेंगे, जो फैमिली अदर फैमिलीज को ट्राई तो हम लोग ट्राई करेंगे उनको इन्फेक्शन नहीं हो जाए, उनको एजुकेट भी करेंगे पेशेंट को, और बेसिक ट्रीटमेंट भी देंगे, और उसमें से जो आइसोलेट करने के लिए भी ट्राई करेंगे कि क्या आप अपने फैमिली को और इन्फेक्ट मत करो, जो दूसरे मेंबर है ना उनको इन्फेक्ट मत करो। और यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, जैसे किसी को कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है या फिर बीमारी बढ़ने से पहले हम लोग उनका रोकथाम करने के लिए, जैसे जिसको हाई हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा या ऑक्सीजन लगेगा, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है या फिर इनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, तो उनको हम लोग हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए सलाह देंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंसारी अदनान, आई एम फ्रॉम दिस एरिया ओनली। मतलब बोल बाबा भाई का जो ये नया सिलसिला चालू किया है इन्होंने, ये मोहल्ला क्लिनिक करके, आजकल कैसा है कि कोई भी डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स हैं, कोई डॉक्टर्स या तो खुद से बंद करके चले गए या कोई बीमारी की वजह से बंद करके चले गए, लेकिन इस टाइम पे कोई नेता और कोई कॉरपोरेशन कॉरपोरेट या कोई कॉरपोरेटर यहाँ पे कोई किसी की हेल्प करने आगे नहीं आ रहे। इन सब में बाबा भाई जो है वो फ्रंट लाइनर बन के, जिसको अपन कहेंगे कि आगे की शील्ड बन के ढाल बन करके लोगों का जो लोगों की जो सेवा कर रहे हैं ये मोहल्ला क्लिनिक खोल करके। इसके अंदर कैसा है कि आप अगर आपको कोई और हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है किसी को, या कोई वायरल डिजीज़ है, जैसे कोई और डिजीज़, अभी एक डिजीज़ वायरल डिजीज़ जिसका 17 दिन का इंक्यूबेशन है, जिसके अंदर कफ आ रहा है एज लाइक कोरोना से पूरा पैरेलल डिजीज़ है ये, तो उसमें भी उनको 10-10, 11-11 मेडिसिन चालू कर दी जा रही है बिना ये जांचे कि उनको कोरोना है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि पापा भाई ने पूरी दवा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पूरी अवेलेबल करी, और महंगे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने अपने उस पर करके लेके आके अवेलेबल करी है। यहाँ पे आइए, आपका वायरल रहेगा, चाहे कोई भी डिजीज़ रहे, आपकी कोई भी डिजीज़ रहे, यहाँ उसका इलाज किया जाएगा, और यहाँ से किसी को कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। आप लोग अगर ऐसा समझ रहे कि आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा कोई सेंटर में, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको किसी क्वारंटाइन सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका डे वन से लेकर लास्ट तक जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है तब तक आपका इलाज यहीं चलेगा, और उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप जाना चाहेंगे कि या ना जाना चाहें। हम लोग किसी को भी ज़बरदस्ती उठा के कहीं क्वारंटाइन नहीं करने वाले, ना IGM ना अलमोहन हॉस्पिटल, कहीं भी नहीं। सब आपके कंसेंट पे रहेगा, हम लोग की तरफ से कोई भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। आप आइए, अपनी दवाई लीजिए, आपको जो तकलीफ है वो करिए, और आप यहाँ से जा सकते हैं। किसी को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। और ये पापा भाई की, मैं पापा भाई को सलाम करता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये बहुत बड़ा काम इन्होंने शुरू किया है।